ठीक है नमस्कार। तीन खास विषय पर हम बात करना चाहेंगे। एक की कांग्रेस पार्टी के तरफ से उड़ीसा के सभी हमारे बहनों भाइयों को मैं अनुरोध करूंगा कि घर से निकल करके तानाशाही को भगाने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने सभी आम पब्लिक का हक बोलने की आज़ादी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेता को जेल में भेजने का जो काम कर रहे हैं वो सीधी तौर से देश के आत्मा के ऊपर एक हमला है। आज एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने एक वीडियो रिलीज किया है, वो वीडियो सोशल मीडिया में काफी चल रही है कि ये चुनाव ने करवट ले लिया है, मोदी जा रहा है। ये बात पक्की है? नहीं, सीरियसली ये बात पक्की है। देश के लोग ने जो है जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी उन्होंने देखा है और उड़ीसा में खास तौर से हमारे आदिवासी भाई बहन और अनुसूचित जाति के लोग, आप देख लीजिएगा कि एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर झारखंड के, आपने जेल में बिना कोई खास सबूत के, कोई सबूत नहीं, आरोप भी आपको मालूम है कितने जो है छोटा आरोप है, उस आधार पर आपने उनको जेल भेज दिया। आज झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, उड़ीसा में भी चुनाव हो रहा है और एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन झारखंड और आदिवासी और वंचित समाज के एक बड़े नेता हैं, उनको प्रचार से मोदी जी ने रोक दिया ताकि बीजेपी जो है कुछ सीट में ज्यादा वोट पाने में सफल हो। हमारे जितने भी सीट जो आज चुनाव पे जा रहे हैं, मैं उन लोग से अनुरोध करूंगा, सभी लोगों को, कि आप घर से निकल करके इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दें, क्योंकि ये लड़ाई भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये पहली बात। दूसरा है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि 15 तारीख को राहुल गांधी जी का यात्रा है, राहुल जी बलांगीर आएंगे। बलांगीर में पता नहीं आपका क्या रिपोर्ट है, लेकिन हमारे कैंडिडेट मनोज मिश्रा जी बहुत ही कारगर कैंपेन चला रहे हैं और वहाँ के पब्लिक सभी का एक ही मांग है कि मनोज मिश्रा जो है इस बार जीत करके बलांगीर का नेतृत्व पार्लियामेंट में करें। राहुल जी का भुवनेश्वर पहुँचने का समय करीब करीब 11 बजे के आसपास है, 11:30 बजे के बीच में वो कार्यक्रम बलांगीर में शुरू की जाएगी, हेलीकॉप्टर से जाएंगे वहाँ से, फिर कार्यक्रम के बाद 45 मिनट का कार्यक्रम होगा, वहाँ से फिर वो हेलीकॉप्टर से वापस भुवनेश्वर आएंगे और फिर वापस दिल्ली से एक और जगह उनको कार्यक्रम में जाना, वहाँ चले जाएंगे। 16 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है कंधमाल में और प्रेस के साथ ही कल विश्वरंजन जी ने आप सब लोगों से बात की होगी, आप सब लोग का जो है हमारे हम दिल से आपको निमंत्रण देना चाहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 16 तारीख को, लोकेशन वगैरह सब डिटेल्स आपको दिया जाएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ एक भोज भी है और आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, किसी तरह का सवाल कर सकते हैं। हम मोदी नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट सबसे बात करते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, कोई स्क्रिप्ट पहले से प्रश्न देने की आवश्यकता नहीं है। हम आम जिस तरह से लोग आम खाते हैं उस तरह की बातें नहीं करते,
हम ऐसे ऐसे बातें नहीं करते जैसे हमने यूक्रेन का युद्ध रोक दिया हो। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मोदी जी के चेले लोग बोलते हैं कि यूक्रेन का युद्ध रोक दिया है। हम जो तथ्य हैं उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो ये दो प्रमुख नेतागण का कार्यक्रम है। यदि आपको और कोई सवाल करना है तो फिर आप कोई भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? और कल सभी हमारे प्रेस के साथीगण को सूचित करके मुझे बहुत खुशी है कि हमारे चेयरमैन जो मीडिया और सोशल मीडिया चेयरमैन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के श्री जयराम रमेश साहब आएंगे। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यदि किसी भी व्यक्ति को आपके एडिटर हों या आप अगर 1-to-1 इंटरव्यू करना चाहते हैं तो विश्वरंजन मोहंती जी से कृपया बता दें, फिर हम आपको टाइम स्लॉट दे देंगे 1-to-1। जितने भी लोग हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबको जो है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का इंटरव्यू अगर करना है किसी चीज़ के विषय में, वो यहाँ दिन भर रहेंगे, सुबह पहुँचेंगे 9 बजे, फिर रात को 8 बजे वो वापस दिल्ली से रांची जाएंगे। तो ये तुरंत ये इमीडिएट प्रोग्राम है। फिर अगर एक हफ्ते बाद बाकी लोग का जो लीडर्स का प्रोग्राम है उसके बारे में आपको अलग प्रेस इंटरेक्शन में आपको बताएंगे। कोई सवाल है तो बता दीजिए, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? कुछ भी पूछ सकते हो। और सरोज किसी क्वेश्चन है जी पूछा? ये बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, डरो मत। डरो मत यार बॉस। राहुल जी कहते हैं डरो मत, कुछ पूछ लीजिए। हाँ, नहीं, मेरा इतना कहना है कि देश भर में जो है चुनाव उनके हाथ से निकल चुकी है। आप देख लीजिए ना कि ये पहला प्रधानमंत्री है जो नफरत फैला रहे हैं। कोई भी देश के आप बताओ इस देश का क्या इज्जत रह जाएगी कि अगर कोई रोड छाप जैसे भाषण देता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का भाषण रोड छाप से भी घटिया है। मैं तो बता रहा हूँ कि हम इतने साल से सरकारी नौकरी में भी थे, पुलिस में थे, पॉलिटिक्स में हो, लेकिन मोदी जी का भाषण जो है ना, हमारा गली वाला नेता भी इस तरह से बात नहीं करता है, गली वाला गुंडा भी नहीं बात करता इस तरह से। नहीं सीरियसली, आज तो चिराग पासवान ने बोल दिया, चिराग पासवान ने बोल दिया कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का प्रशंसा करने शुरू कर दिया, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। अनुराग ठाकुर ने राहुल जी का प्रशंसा किया, मतलब चुनाव हाथ से निकल चुकी है। सब अपने जो है प्रचार में जो है, ताकि जब नई सरकार आएगी तो वो बोलेंगे कि नहीं हमने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, वो भी तो हवा देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है हवा का रुख है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपने देश के जो है राजनीतिक स्तर इतनी गिरा दिए हैं, इतने नीचे स्तर पर आप ले आ चुके हैं। इस तरह का भाषणबाजी प्रधानमंत्री कर रहे हैं उचित नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और कोई सवाल? जिले के कैपिटल का नाम पूछते हैं। देखिए, उड़ीसा बचाने की बात जो है, 2 मई का मैं ट्वीट निकाल अभी देख रहा था। आपके प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो मैथ्स में भी फेल है, क्यों मैं बोलता हूँ, उनका ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे पास 360 सीटें एनडीए में, नवीन बाबू साथ में आएंगे तो हम 400 हो जाएंगे। करेक्ट। 2 मई को यू कैन सर्च नवीन, वो पवन खेरा के हैंडल में, 2 मई को प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे पास 360 सीट है, नवीन बाबू आएंगे तो हम 400 हो जाएंगे। भाई साहब उड़ीसा में 21 ही है ना, 360 प्लस 21 तो 381 है ना। ऐसा प्रधानमंत्री जो बेसिक एडिशन भी नहीं कर सकता है यार, ये तो 5 साल का बच्चा भी करेगा ना। 360 प्लस 21 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा कर लेगा। ये प्रधानमंत्री है देश का, मैथ्स में भी फेल है
और पब्लिकली फेल होता है, ट्विटर में लिख देता है, अब बताओ क्या इज्जत बचेगी हमारी यार, हंस रहे होंगे। कौन सा मॉडल? दोनों, अरे यार दोनों भयंकर फ्रॉड है। शुरू करो ओडिशा मॉडल से, सबसे गरीब प्रदेश देश में, नीचे से थर्ड, 4,000 रुपये महीने का, देश का एवरेज इनकम कितना है? 10,000 रुपये। ओडिशा में हर आदमी हर महीना सिर्फ 4,000 रुपये औसतम कमाता है, करेक्ट? देश में 10,000 कमाता है, ये है नवीन बाबू का फॉर्मूला। 30 लाख लोग का प्लान, नो जॉब्स नो नौकरी, बस 2 मिनट शांत रहिएगा। एक तो वो हुआ गुजरात मॉडल। आप बताओ यार, हमने तो गुजरात मॉडल इंडिया में अभी 10 साल से देखा है। आप ही अपना थंक, ये रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड कर लो, जर्नलिस्ट आपकी सैलरी बढ़ रही है क्या पिछले 10 साल में? ये मोदी का इंडिया है, आप अपना अनुभव देख लो। एक विप्रो का इंजीनियर 10 साल पहले 3,20,000 कमाता था, ओके? 2024 में वही विप्रो का इंजीनियर 3,20,000 कमा रहा है। ये है मोदी का मॉडल कि पढ़े लिखे लोग को नोचो, बेरोजगारी बढ़ाओ। आप अपने सैलरी देख लीजिए, कोई भी जर्नलिस्ट का सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई प्रेस रिपोर्टर का सैलरी नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो गुजरात मॉडल मतलब बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम का अफीम, सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, लास्ट में बीफ कंपनी से पैसे लेने के वक्त इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो मोदी को प्रॉब्लम नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, वो तो गाय माता बोलते रहते हैं ना, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मोदी को पैसा लेना कोई दिक्कत नहीं है, फिर भगवान का नाम लेते हैं। तो गुजरात मॉडल और ओडिया मॉडल, नवीन मॉडल, सॉरी ओडिया मॉडल तो चल, गुजरात मॉडल एंड नवीन ओडिशा मॉडल एंड मोदीज गुजरात मॉडल, वो दंगल का एक डायलॉग है ना, पापा तुम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, तो ये दोनों पापा लोग जो, दादा दादा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दोनों दादाजी जो है, नवीन बाबू और मोदी जी जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिमेंबर दंगल पिक्चर का डायलॉग है। हाँ ठीक है ना, थैंक यू। AI वीडियो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नवीन बाबू का ओरिजिनल हो, इंटेलिजेंस जरूरत है ना। इंटेलिजेंस कहाँ है उसमें? नवीन बाबू का वीडियो में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल हो या नॉर्मल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग क्या है? तो आप कुछ भी कर दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, दिमाग होना चाहिए। नवीन बाबू का ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो, बराबर ही है, कुछ नहीं है, खुश हों तू बस यही है। अपना माने खुशी तो no, how we downsized? We were already downsized to 9 and 1. Now we are going to get much, much more. So I didn't understand your question. Strategy. अरे यार, if I have to tell my strategy on a TV channel, what would be the, everybody will say I'm like Naveen Babu. What do you want to know? I want to know what is the size we're expecting this time. So you will see, it will be a phenomenal result. So I think we are close to 6 to 7 Lok Sabha seats for sure. We will touch, everybody says that the government in Odisha will not happen without us, so we are looking at 35-40 seats. I know for sure that in Navarangpur, Koraput, Kalahandi area, we would be hitting 60-70% success in the assembly. Yeah, Mr. Kumar, I would like to put one hypothetical question, but I don't expect a hypothetical answer for you. This is a question that... आप हिंदी में बोल सकते हो कि अंग्रेजी में?
हिंदी में बोलो यार, अभी बाकी अंग्रेजी इतना, जो हमको भी अंग्रेजी इतना नहीं मालूम, हिंदी में बोलिए सर। हाँ, या उड़िया में बोल दो, ट्रांसलेट कर लेगा। हाँ, उड़िया में बोल देगा, बोल दो बोल दो। बस बेकार वाले क्वेश्चन है, बेकार इसलिए क्वेश्चन है, ये दोनों साफ हो रहा है। जब दोनों साफ हो रहा है तो बेकार क्वेश्चन है। सेंटर में तो गया, सेंटर में गया तो आई डोंट, हमारा देखो एक चीज है, अ काउंटर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टू योर अदर गोदी मीडिया फ्रेंड्स, नॉट यू ऑल, अदर गोदी मीडिया फ्रेंड्स, हैव यू नोटिस्ड कि गोदी मीडिया का भी ट्यून बदल गया? हैव यू सीन दैट? सो माई क्वेश्चन इज एट द सेंटर मोदी इज गोइंग, वी वुड कंटिन्यू टू फाइट एंड बोथ बीजेडी एंड फॉर अस बीजेडी एंड बीजेपी, बीजेडी और बीजेपी एक ही साथ है। मोदी जी अपने बोल रहे ना, 5 मई का, 2 मई का ट्वीट में, तो इसलिए कोई फायदा ही नहीं उस पर डिस्कशन करना। और हाँ, अब तो पहले पूछने रहे थे, अब सब पूछ रहा नहीं। देखिए एक चीज है, ये देश के हित में राहुल जी ने भी कहा, सभी इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है, जुडिशरी। देखिए, कांग्रेस की जीत की बात नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है। ईडी सीबीआई को जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, सीबीआई, एनआईए, जुडिशरी, अगर आप देश को बचाना है। ये कांग्रेस कभी, हम कभी सत्ता में रहेंगे, कभी विपक्ष में रहेंगे, देश तो बचनी चाहिए ना। ये बीजेपी बेशरम है, ये देश को बर्बाद कर लेंगे। जर्नलिस्ट यार, आप अगर आप फ्री नहीं रहेंगे, अगर आपके टीवी चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट फेयरली नहीं मिलेगा, तो जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा। अब देखो, आप ही को साथी बोलो। तो मेरा इतना ही कहना है, आई स्ट्रांगली बिलीव जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेस, प्रेस हैज टू बी फ्री। आप, हम जब सत्ता में होंगे तो हमारा भी पोल खोलिए, क्योंकि ये देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हमने कभी हमने अपने इतिहास में गलती नहीं किया, हमने भी किया, हम कभी नहीं कहेंगे हमने नहीं किया, लेकिन हम अपने जो है, हमारा डीएनए ठीक है, थी अपने गलती मान करके हमने सुधार करने की कोशिश की। बट प्रेस फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फियरलेस इंस्टीट्यूशन अगर देश में होना चाहिए वो है प्रेस। अगर प्रेस फ्री नहीं है, देश नहीं बचेगा, क्योंकि आप ही लोग जो है ना इस देश के सांस हो, आप ही लोग इस देश के बारे में बताते हो। You are the most important job in the country is, I'm telling you, more than the judges. I'll talk to you one by one, otherwise you'll hijack the press conference. Yeah, Biswaranjan. Yeah. Thank you very much, everybody. Any other question? No. Biswaranjan. अरे बॉस, एक ऐसा स्कूल क्लास में होता है ना, पूरा बच्चा, सब लोग पढ़ रहा है, दो ही बच्चा क्वेश्चन करता है, क्या? हाँ, लास्ट। अभी तो नहीं था क्या हमारे सरकार के सामने? अच्छा, एक चीज़ बताओ, 2014 से, एक बात गुरु जी, 2014 से पहले याद करो क्या क्या लिखते थे। कोई रोका था, कोई जेल भेजा, आप जेल जाते हो, आप तो डरते हो, आप तो छाया से भी डरते हो, आप तो डरने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही खांसता तो लगता है कि टीबी हो गई। इसीलिए 2014 से पहले को याद कीजिए, फैक्ट्स विल टेल यू। चलो उनसे विश्वास।